हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक वर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मारुति सुजुकी वैगनर LXi वेरिएंट है और 2007 मॉडल है ये। सो गाइस, इस गाड़ी को बंद हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक बार ये गाड़ी दिखाना चाहूँगा। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। रेड कलर है गाइस इसका गाड़ी का, और लाइट से इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आइए, चलिए लाइट की तरफ चलते हैं। मैं लाइट के बारे में बताता हूँ। तो हैलोजन ही इसकी लाइट थी, येलो लाइट आती थी और लाइट के ही ठीक ऊपर इंडिकेटर की प्लेसमेंट थी। जैसे ही गाइस ये LXi वेरिएंट है तो इसमें फोग लैम्प हमें नहीं मिलता था, बस एक ब्लैक कैप मिलती थी फोग लैम्प लगाने के लिए। बाकी कुछ ऐसी ग्रिल थी गाइस इसकी, सुजुकी के लोगों के साथ ग्रिल आती थी। और लेफ्ट और राइट पे आप देखेंगे ये चीज़, तो ये इसका क्रोम है। इस गाड़ी को काफ़ी टाइम हो गया गाइस, तो इसके क्रोम की हालत ऐसी अब हो गई है, पहले सही थी। बाकी आपको बॉडी कलर की ग्रिल मिल जाती थी, जैसे कि आप देख रहे हैं रेड कलर की ग्रिल है। बोनट पे आप देखेंगे तो पेंट आपको काफ़ी ख़राब दिखेगा। गाइज मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी को काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए इसके बोनट पे पेंट की हालत ये हो गई है। कोई बाहर से पेंट कराया नहीं है, जो कंपनी से प्लांट से पेंट आता है वही पेंट है, और ऐसा थोड़ा छत पे भी हो रखा है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। बाकी साइड से इसकी बात करते हैं गाइज, तो इसकी लेंथ मिल जाती है 3520 mm, विड्थ मिल जाती है 1475 mm, हाइट मिल जाती है 1690 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का है 165 mm। सो गाइज टायर साइज की मैं बात करूं तो 145/70R13 का स्टील रिम मिलता था इसमें व्हील कैप के साथ। बाकी ऊपर छत पे आपको ये दिखा देता हूं, पेंट की हालत अभी मैंने जो बताई थी वही इसमें पेंट की हालत हो रखी है। सो गाइस ये है इसका बूट। ये जैसे कि LXi वेरिएंट है तो इसमें कोई भी वाइपर डिफोगर नहीं आता था। बाकी इसमें पीछे लाइट सारी हैलोजन ही है, और हाई स्पीड स्टॉप लैंप भी आ जाता था। और लेफ्ट साइड की बात करें तो फ्यूल के टैंक की प्लेसमेंट इधर थी, जो कि 35 लीटर का इसका टैंक था फ्यूल का। और बाकी जो आप गेट पे नीचे निशान देंगे वो पट्टी हट गई है, उस वजह से निशान है। बाकी इस गाड़ी पे स्क्रैचेस भी बहुत है। सो गाइस इसकी की कुछ ऐसी दिखती थी, और इसमें सेंटर लॉकिंग भी आती थी जो मारुति का डीलर लगा के देता है, मारुति निपोन करके वही आता था, लेकिन अब ये वर्किंग नहीं करता है। सो गाइस अब हम इसको की से ही ओपन करेंगे, तो की को लगा के हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो गेट अनलॉक हो जाएंगे, लीवर अप हो जाएंगे, जैसे कि अभी आपने देखा। सो गाइस गेट ओपन हो गया है, और गेट में गाइस आपको यहाँ पे दिखेगा थोड़ा फैब्रिक टच है। और बाकी आपको नॉर्मली मैनुअली विंडो मिलती थी, कोई पावर विंडो नहीं मिलती थी। बाकी प्लेन सा एक गेट है, ब्लैक कलर का पूरा इंटीरियर है इसका। सो गाइस अंदर चलते हैं, मैं आपको इसका मीटर दिखा देता हूँ। इसमें बीच में आता है गाइस आपको स्पीडोमीटर, और लेफ्ट पे आता है गाइस इंजन हॉट कूल की वार्निंग वाला एनालॉग, और राइट पे आ जाता है गाइस आपको फ्यूल का एनालॉग मीटर, जो कि बताता है कि फ्यूल कितना गाड़ी में। यहाँ से लाइट की एडजस्टमेंट होती है अप एंड लो, और यहाँ से लाइट के सारे फंक्शंस हैं, ओपन क्लोज हाई बीम लो बीम इंडिकेटर वगैरह। और लेफ्ट साइड पे आपको वाइपर के सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, जो कि ऑफ हाई लो मिड ऐसे करके। बाकी गाइस यहाँ पे आपको ब्लोवर मिल जाता है, जो कि ऐसा आता था नीचे और ऊपर करके ऐसे एडजस्टमेंट होता था, और लेफ्ट राइट ऐसे एडजस्टमेंट होता था। बाकी ये मैनुअल एसी मिल जाता था गाड़ी इस गाड़ी में आपको, और ये मारुति का जो डीलर ने लगा के दिया होगा स्टीरियो, वही स्टीरियो है आपको इस पे मारुति के बीच में मैचिंग में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे कुछ स्पेस था, छोटा सा ही है, ज़्यादा कोई स्पेस नहीं है, और यहाँ पे भी छोटा सा स्पेस है। बाकी इसके डैशबोर्ड में छोटे छोटे काफ़ी स्पेस मिल जाते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये एक स्पेस मिल जाता है, ये स्पेस मिल जाता है, और बीच में आपको ये बॉक्स भी मिल जाता है जो कि डैशबोर्ड जिसे कहते हैं। और IRVM इसका बिल्कुल ही नॉर्मल था गाइस, कोई भी मैनुअल भी एडजस्टमेंट नहीं था इसका, नॉर्मल ही है, जैसा रहता है वैसे रहेगा। येलो लाइट आती थी इसके इंटीरियर में, और लेफ्ट डोर कुछ ऐसा है गाइस, वहाँ पे भी थोड़ा फैब्रिक का टच है, ऐसा कुछ दिखता है। बाकी इसमें स्टेयरिंग कोई भी टिल्ट टेलीस्कोपिक नहीं आती थी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था स्टेयरिंग के नीचे। और गाइस मैं आपको दिखाऊँ तो ऐसी कुछ डैशबोर्ड की लुक आती थी, ये आप देख सकते हैं। बाकी इसमें 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स आता था, और गियर के आगे भी छोटा सा एक दे रखा है स्पेस की वगैरह रखने का, और यहाँ पे ये हैंड ब्रेक का लीवर है, सीट बेल्ट के भी वो दे रखे हैं।
बाकी गाइस इसके मीटर में ये जो एक छोटी सी MID आती है ना, मैं इसको बारे में आपको बता देता हूँ। इसको ओपन करके, ओपन हो गई है ये। तो गाइस ये छोटी सी MID है, इसमें ज़्यादा कोई हमें फंक्शन नहीं मिलता था, बस दो ही फीचर मिलते थे, एक ट्रिप देखने का, एक किलोमीटर देखने का। जैसे कि आप इस पर देख रहे हैं छोटा सा ये बटन है, इसको दबाओ तो ये किलोमीटर आ गए, और एक बार और मैं प्रेस करूँगा तो वापस से ट्रिप आ जाएगी। बस ये दो ही फंक्शन ये बताती थी। बाकी आप जो ये रेड बटन देख रहे हैं, ये हजार्ड लाइट्स का है, जिससे पार्किंग लाइट जल जाती है। भाई गाइज आपकी अगर हाइट अच्छी खासी है तो आपको इस गाड़ी का बोनट दिख जाता था, एवरेज हाइट है तो आपको इस गाड़ी का बोनट नहीं दिखता था। इसकी सीट्स आगे पीछे तो एडजस्टमेंट हो जाती है, हाइट एडजस्टेबल नहीं आती थी, और LXi बेस मॉडल है तो ये था गाइज। बाकी इसका बैक डोर कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी कपड़े का थोड़ा टच था, बाकी बिल्कुल प्लेन ब्लैक ही था। मैनुअली विंडो है पीछे भी आगे भी सब जगह। बाकी इसकी बेंच फोल्ड सीट आती थी गाइस, और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आते थे, पीछे से सीट बेल्ट भी मिल जाती थी। सो गाइस मैं बैठ के आपको दिखा देता हूँ, आगे की सीट मेरे ही अकॉर्डिंग एडजस्टेबल थी, तो पीछे भी मेरे को काफ़ी स्पेस मिल जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पैर के आगे सीट कितनी आगे है, और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं छोटा छोटा स्पेस दे रखा है। बोतल आपकी नहीं आ सकती इसमें, छोटा सामान ही आ सकता है। बाकी लीवर है मैनुअल विंडो का, ऐसे घुमा के आप ऊपर नीचे से कर सकते हो। बाकी इसके ग्लास काफ़ी बड़े बड़े आते थे, इस गाड़ी के ग्लास क्वार्टर पैनल पे भी एक ग्लास दे रखा था गाइस, जिससे कि ना बहुत बिचा बिचा फील नहीं होता था इस गाड़ी में। गाड़ी छोटी थी लेकिन फिर भी इतना नहीं लगता था इन ग्लास की वजह से। सो गाइस ऐसे पीछे से कुछ इसका डैशबोर्ड ये पूरा दिखता था, इंटीरियर। बाहर धूप ज़्यादा थी इसलिए अंधेरा आ रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा गाइस मैं। बाकी मैं आपको अब उतर के ना इसका बूट और दिखा देता हूँ, बूट कैसा है। इस गाड़ी में बूट दो तरीके से खुल जाता है, एक तो यहाँ आगे ऑप्शन दे रखा है, मारुति की अधिकतर गाड़ी में यहाँ ऑप्शन होता है यहाँ से खोलने का, या फिर आप पीछे जाके चाबी से भी आप बूट को खोल सकते हो। सो गाइस ये बूट मैंने ऊपर उठा दिया, बूट गेट। बूट कुछ ऐसी है गाइस इसकी, ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन इस गाड़ी के हिसाब से इनफ थी, ठीक थी। बाकी आपको कोई भी लाइट नहीं मिलती थी बूट में, ना ही कोई हुक मिलता था सामान लगाने का, अटकाने का। बाकी गाइस नीचे आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाती थी स्टेपनी की, एक बार मैं पूरा उठा के आपको दिखा देता हूँ, स्टेपनी साइज़ भी दिखा देता हूँ। तो गाइस स्टेपनी का भी साइज़ आपको सेम ही मिलता था, 145/70R13, कोई बड़ा छोटा नहीं मिलता था, सेम ही टायर आते थे पाँचों के पाँच। सो गाइस अब हम बूट को क्लोज कर देते हैं, और ये थी पीछे ही कुछ इसकी लुक। बाकी गाइस अब मैं आपको एक बार इसका बोनट ओपन करके दिखा देता हूँ इंजन के बारे में। यहाँ से होता है इसका बोनट ओपन, यहाँ से होता है। सो गाइस इसका 16 वोल्ट का इंजन आता था, जिसकी जैसे कि इंजन पे अभी मैं आपको बोनट ओपन करूँगा तो लिखा भी होगा 16 वोल्ट। 1061 CC का इंजन था, 3 सिलेंडर इंजन था। पावर ये देता था 67 BHP, टोक देता था 84 NM। इसकी कंपनी क्लेम करती थी हाईवे पे 18 की माइलेज, और सिटी पे करती थी 14 की माइलेज। और इसका गाइज मैं बता दूँ एक बारी आपको, फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाती थी, रियर में आपको ड्रम ही मिलता था, और टर्निंग रेडियस इसका 4.6 मीटर था। सो गाइज अब मैं बोनेट बंद कर रहा हूँ, यहाँ से इसका स्टैंड था यहाँ पे, इसको नीचे को करके अब ये बोनेट मैंने बंद कर दिया। सो गाइज ये थी मारुति सुजुकी वैगनर LXi मॉडल और 2007 वो LXi सॉरी सॉरी LXi वेरिएंट और 2007 मॉडल। और गाइज इसमें मैनुअली ORVM आते थे, ठीक थे, काफ़ी चीप सी क्वालिटी थी, ज़्यादा इधर के हाथ में ही आ जाते थे, ऐसे थे, बाकी सही थे उस गाड़ी के हिसाब से, रेट के भी हिसाब से। सो गाइज ये थी वीडियो, पसंद आई तो लाइक करना, और मैं कुछ इस गाड़ी के बारे में भूला हूँ इन्फॉर्मेशन तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपको वीडियो अभी तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई।